तो आज हम और हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं एक स्प्लिट एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ देखिए, हमने स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट को अनबॉक्स कर दिया है, यानी कि बॉक्स से इसको बाहर निकाल रहे हैं। और ये देख लीजिए पीछे का इसका लुक है, इस तरीके से एयर कंडीशनर बॉक्स में रख वैसे नहीं निकलता आता है, यानी कि शुरुआती कंडीशन में इस तरीके का रहता है। इसके ऊपर इसका स्टैंड कसा हुआ है और डिस्चार्ज पाइप ऊपर ऊपर का जो प्लास्टिक इसको निकाल दो, इसको हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्लास्टिक है, दूसरे प्लास्टिक को छोड़ देंगे ऐसे ही इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर है, बाकी एक्सेसरीज में बात करें तो रिमोट और कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं हूँ और ये हम इसको अभी बाहर यहाँ से पाइप को बाहर निकाल रहे हैं, सक्शन डिस्चार्ज पाइप को। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नॉइज़ होने की वजह से वॉइस ओवर बाद में इस पर करना पड़ रहा है। तो ये पूरा यहाँ का सिस्टम है, आप देख लीजिए। और ये हम पाइपिंग को यहाँ से बाहर करेंगे, हाथ से पकड़ के सीधा कर लेंगे, उसके बाद से बाकी सारे कामों को करेंगे क्योंकि सक्शन और डिस्चार्ज पाइप जो होती है वो बाहर जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पूरा, हमने इसके लॉक को यहाँ से खोल दिया है। और ये है इसका स्टैंड, तो इसी का स्टैंड और कितना पाई यहाँ से दूरी है उसको हमने नाप लिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होगी, वो सेम दूरी का है। नहीं तो इस तरीके से आप कोई थोड़ा सा ऐसा हो तो इसको भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसी टेप से भी यूज करके नाप सकते हैं कि कहाँ पर आपको छेद करना है। तो ये देखिए, यहाँ से हम पाइप को सीधा कर रहे हैं। ये इसमें दो पाइपें हैं, सक्शन और इधर डिस्चार्ज पाइप, और अलग से वाटर पाइप जो है वो नीचे पड़ी है, तो वो भीड़ होती है इसी में, इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको सीधा करना है, ये पाइप भी आपके बाहर निकलती है। और ये पीछे से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है एयर फिल्टर। और देखिए, हमने पाइप को बिल्कुल सीधा कर लिया है पूरा। ये हमारा है इंडोर यूनिट और इसका हमने स्टैंड भी बाहर निकाल लिया है। अब हमको करना है स्टैंड को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सीढ़ी ला चुके हैं और अब यहाँ पर हम ड्रिलिंग वाला काम करेंगे, सबसे पहले इसको नापने के बाद। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टैंड को दीवार पर लगाना है अच्छे से, उसका वाटर लेवल, स्प्रिट लेवल, या आप इंची टेप से आप नाप लीजिए चारों तरफ बराबर है कि नहीं है। और उसके बाद से आप क्या करिए, आप चिन्हित करिए छिद्रों को, फिर ड्रिलिंग करने का काम आपको करना है। यही हम करने वाले हैं, ड्रिलिंग करने के बाद फिर वापस स्टैंड को अच्छे से टाइट करेंगे। ये सारा काम करना होता है। और इधर अभी हमको कनेक्शन करना है, तो उसका हम कनेक्शन भी नीचे से कर देंगे और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अभी यहाँ पर ड्रिल करने का काम करेंगे। तो ये सारा कुछ है ड्रिल करने में। अभी आपको कुछ दो तीन काम करने होते हैं, वो आप ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे से, बाकी आप ये काम को फाइनल कर पाएंगे। तो ड्रिल करने के पहले आपको ये देख लेना पाइप कहाँ से जाएगी। यहाँ पर इसका अगर देख सकते हो, सिंगल फेस ये चलता है, 5187 वाट का ये है। और यहाँ पर ये जो कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको आउटडोर का कनेक्शन यहीं से जाता है। तो बस इसमें क्लिपिंग करनी है, यहाँ से होते हुए आउटडोर एल जी वाला क्लिप पे दे दिया है जी पूरा। एक इन्वर्टर का वायर जो कनेक्टर नहीं दिया है, इन्वर्टर में ऑलरेडी चार वायर जाते हैं, एसी वाले इन्वर्टर जो है, तो ये जो एसी है ये इन्वर्टर लगा सकते हैं अपने मन से इसमें कंपनी का। स्टैंड लगाया, स्टैंड लगाने के बाद उसका वाटर लेवल, तीन वाटर लेवल करने के बाद अभी यहाँ पर ड्रिलिंग वाला काम, जितने खुराक होते हैं उसमें चिन्हित कर लिया, चिन्हित के बना ड्रिल का काम करेंगे। यहाँ पर हमारे कंपनी के साथ तीन वायर आया हुआ है, ये वायर बना हुआ है, इसकी हमारे लिए मिल जाता है इस तरीके का टेप और वायर। ये कंपनी प्रोवाइड करती है साथ में, और कुछ खास नहीं मिलता है। इसके अलावा पाइप मिलती है, उसमें ये है स्लीपिंग करनी आपको, और ये देखिए पूरा है, एक बॉडी अर्थ है, एक मोटर वाला वायर है, ये देखिए यहाँ से इसको लगाना है, इसलिए हमको लगाना है। और उसके पहले वायर को नीचे से हम यहाँ पर डाल लेना है। चलिए इसको फटाफट से हम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायर डाल करके हमने लगा दिया, मतलब क्लिपिंग करना था हमने कर दिया। तो ये वायर इस तरीके से क्लिपिंग होगा। अब इसका ये रहा रिमोट जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, और इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये एसी लास्टली 18 डिग्री तक कूलिंग आपको करेगी। और यहाँ पर देखिए, ड्रिलिंग करके हमने स्टैंड लगा लिया है,
अब ये यहाँ पर ड्रिल करने वाले हैं, इसका गोल वाला जो सुराख है जिससे पाइप निकलते दिया जाएगा उसका हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास काटने कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया ये दो तीन दिन हम यहाँ पर सुराख कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम तार को अच्छे से डाल चुके हैं, अब इसके नट को भी अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। तो दोनों काम साथ साथ ही हो रहा है सब कुछ, और बिल्कुल बकायदे अच्छे से हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जानते हैं ना गुरु चेला दोनों मिलकर काम चल रहा है, काम अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। और हमने देखिए यहाँ पर बेल्ट से भी इसको बांध दिया था ढीले ढूले ना, तो वो आपको अच्छे से मजबूती और टाइटनेस का ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, और यहाँ देखिए ऊपर से इसमें ही जो हैंगर है इसका, जिसमें एसी आपकी लटकती है, दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये ड्रिल वाला काम हो रहा है। यहाँ देंगे तो हमारी जो एयर कंडीशनर है वो 3 स्टार है, और यहाँ पर यूनिट जो कुछ भी लेने वाला है वो सब आप देख लीजिए यहाँ पर। ये यहाँ पर स्पीकर दिखता होगा जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे वर्क करेगा, तो सारा कुछ आपको बता दिया है। यूजर मैनुअल आप देख सकते हैं, और यहाँ लिखा गया कि एयर फिल्टर को सफाई करनी है। ये रहा हमारा आउटडोर यूनिट, चलिए अब आउटडोर यूनिट खोलते हैं। देखिए आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स करते ही यहाँ पर आपको मिल जाती है सक्शन डिस्चार्ज पाइप, को भी इंसुलेट किया हुआ पहले से ही है ऑलरेडी है, तो ब्लैक इंसुलेटर इस पर चढ़ा हुआ है देख सकते हैं ये। तो एक तरफ सक्शन पाइप, एक तरफ डिस्चार्ज पाइप, पूरा ऐसे पैकेट करके दिया गया देख लीजिए, एक तरफ सक्शन पाइप एक तरफ डिस्चार्ज पाइप मिल जाती है, और इस तरह इसको लटका कर दे दिया गया। तभी हम इसको भी निकाल करके इंसुलेट करेंगे बढ़िया से, इंसुलेट करके पूरा एक ही बार में इसको डालने वाले हैं पूरी पाइप को ही, इस तरीके से हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का जो तरीका होता है इसमें से हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। पहले एसी को पूरा उठा करके डाल देंगे, और बाद में आउटडोर की साइड जाकर पाइप करते हैं ऐसे कर सकते हैं, या पहले ही पाइप पूरा बढ़िया से आप डायरेक्टली जाकर करें कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें फ्लेयर बना हुआ मिलता है, अगर पाइप की साइज बढ़ानी पड़े तो आपको इसे फ्लेयर बनाना पड़ेगा फ्लेयरिंग टूल की मदद से, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इस पे फ्लेयर बना कर कंपनी दी है, इंसुलेटिंग कर दी है, और जो पाइप है वो हमारे लिए पर्याप्त है। यही पाइप हो रही है तो हम इसे काटने वाले नहीं है, वहीं पर हम उनको छोड़ देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपनी की साइज काटने का मतलब है नहीं, जैसे कंपनी दी है वहीं पे आप मोड़ सकते हैं। ऑलरेडी आप गए थे घूम जाएगा, देख सकते हैं LG डबल इन्वर्टर एयर कंडीशनर, तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये पूरा इसका सिस्टम है, इधर आप नीचे देखेंगे तो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जो वाट है ये 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 1 से 87 वाट कन्वर्ट कर पाएंगे, एम्पियर कितना ये लेगा। इसमें गैस जो है वो 410 भरी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा गैस देखने के लिए। ये इसका वाल्व है, एक सक्शन वाल्व है, और ये चार्जिंग लाइन है देखिए ध्यान से, तो ये हमारा सक्शन वाल्व था, ये सक्शन वाल्व है, और ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये इसमें 410 गैस भरी हुई है आप देख लीजिए। तो ये पूरा है यहाँ पर दे रहा है, और सारा कुछ इंदौर का हमारा काम फाइनली हो चुका है ड्रिलिंग करने का। अब आगे चलिए दिखाते हैं बाकी सारी चीज़ों को, यहाँ से कनेक्शन डालेंगे हम, तो देख लीजिए यही ये है चला जाएगा जी, जो एसी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सक्शन और डिस्चार्ज पाइप मेरी कंपनी अच्छे से लॉक प्रोवाइड करती है, ये यहाँ पर अच्छे से लॉक किया गया। वैक्यूम भी कंपनी करती है, लेकिन जो हम खोलेंगे तो हवा तो घुसेगा, तो वैक्यूम भी आपको कर लेना है। वैक्यूम करना काफ़ी आसान होता है, एसी को इंस्टॉल करने बाद हम गैस से इसको वैक्यूम करेंगे हल्का सा, पहले डिस्चार्ज वाल्व को खोलेंगे, और उससे जब गैस निकल के जाएगी तो जो सक्शन वाल्व में चार्जिंग लाइन लगे उसके पिन को दबा करके थोड़ा सा गैस निकाल देंगे, जिससे आपका जो इंडोर की हवा है वो बाहर निकल जाएगी। सक्शन वाल्व बंद रहता है, डिस्चार्ज वाल्व को थोड़ा सा खोलते हैं जिससे गैस निकल करके जाती है इन डिस्चार्ज पाइप से होते हुए इंडोर यूनिट में, और इंडोर यूनिट कूलिंग वाल्व से घूमते हुए सक्शन वाल्व से होते हुए चार्जिंग लाइन से आपकी बाहर निकलने लगती है। चार्जिंग लाइन को आपको दबा के रखना है, जब गैस बाहर निकलने लगेगी तो आप इस चार्जिंग लाइन पिन को छोड़ देना है, या आप उस पर गैस चार्जिंग पाइप कस के उससे भी निकाल सकते हैं गैस को। जब गैस निकलेगी तो उस टाइम पे हवा निकल जाएगी आपकी, और सिर्फ सिस्टम में आपका रह जाएगा तो वो केवल आपका गैस। तो
तो हवा अगर सिस्टम में होगी तो वो वहाँ पे बाद में गैस की वजह से हवा ठंडा होगी और ठंडा होकर के पानी बनेगी, फिर पानी बर्फ़ बन जाएगा और चोकिंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिस्टम को अच्छे तरीके से आपको वैक्यूम करना ज़रूरी है। तो वैक्यूम पंप अगर है तो उससे कर सकते हैं, तो आप गैस से भी सेल्फ वैक्यूम आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेल्फ वैक्यूम वाला प्रोसेस अपनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने पाइप को पूरा सीधा कर लिया, सीधा करने बाद यहाँ पर हम पाइप को यहाँ से खोल रहे हैं और खोलते इसमें से काफ़ी अधिक मात्रा में एयर निकलने वाली है। तो ये देखिए हमने खोल दिया, ये हमारा है सक्शन वाल्व और ये है डिस्चार्ज वाल्व। तो डिस्चार्ज पर हमने अच्छे से टाइट कर लिया इसमें रख करके, और अब सक्शन पाइप को हम टाइट करेंगे। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर फ्लेरिंग सिस्टम बना हुआ है, इसमें अच्छे से हमारा जो सक्शन पाइप है वो फिट हो जाएगी। और ऊपर जो पाइप दिख रहे वो ड्रेन पाइप है। हमने इसको इंसुलेटिंग देखिए कर दिया है वायर के साथ में, तो ये पूरा हम कनेक्शन कर चुके हैं, बस हमको अब यहाँ से डालना है। अभी यहाँ पर हम कैपलान टेप लगा रहे हैं, तो कैपलान टेप लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट करेंगे। चलो लगाओ लगाओ। यहाँ पर देखिए मेरा स्टूडेंट लगा रहा है, कैपलान टेप में थोड़ी सी गलती हो गई जिसकी वजह से वो फटे थे, फटता हुआ जा रहा है। तो कैपलान टेप को सावधानी से लगाते हैं ताकि वो फटे ना। अब ये हो चुका है हमारा पूरा प्योरली कंप्लीट। अब चलिए फटाफट से पाइप को कसते हैं और इसका फाइनल क्रिया को अंजाम देते हैं। तो आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी इंस्टॉलेशन वाला। बाकी वीडियो पूरा देखिए और जो बाकी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकें। तो आप बताइए ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अभी जाकर कमेंट करिए। अभी वीडियो बाकी है, अभी आउटडोर को लगाना है, वैक्यूम करना है, बहुत सारा कुछ क्रियाएँ बाकी हैं जो अभी हम करेंगे। तो अभी तो पाइप कसा जरा देखिए, ये पाइप कसा है, अभी इसको इंसुलेट करना बाकी है। तो वो सारा कुछ आप देखते रहिए, वीडियो में पूरा देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको चढ़ा लिया। अभी हमको यहाँ पर जो काम करना है वो इसको अच्छे से आपको पैक कर देना है, और पैक करने के बाद इसको भी इंसुलेट कर लेना है। तो ये हम इसको अच्छे से यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, और देखिए ये हमने इसको इंसुलेट कर दिया पूरी पाइप को एक साथ, और जगह जगह बेल्ट भी हमने बांध दिया है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आपको इंसुलेट करना है। ये टेप मिलता नहीं, थोड़ा सा टेप मिलता, लेकिन हमने पूरा टेप लिया, देख रहे हैं कितना लंबा, और पूरा एकदम प्योरली इस तरीके से अच्छे से हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आउटडोर के पास आ चुके हैं, इंडोर को हमने उठा करके लगा दिया है। अब बस उठा करके पूरा पाइप डाले, पाइप डालने बाद उसको हमने बस हैंगर पे टांग लिया, और कुछ करना होता नहीं। तो ये सारा कुछ कर चुके हैं, हम आ चुके हैं आउटडोर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आउटडोर का हमने ऐसे पाइप मोड़ करके जो एक्स्ट्रा था वो नीचे से ऐसे देखिए नीचे से ऐसे लाए हैं, और ला करके पूरा कम्प्लीट कर दिया है। और ये हमारा देखिए इंडोर टंग गया, चालू हो गया हमारा एयर कंडीशनर पूरा, और अच्छे से अभी क्या काम कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हीटिंग भी निकल रही है और अच्छा खासा कूलिंग भी अभी ये कर रहा है। तो सक्शन वाल्व पे सक्शन ये पाइप पर ध्यान दें, यहाँ देखिए हीटिंग, ये हमारा हीटिंग थर्मोस्टेट है। तो हमने क्या किया यहाँ आउटडोर में, सक्शन पाइप के ऊपर सक्शन वाल्व के ऊपर सक्शन पाइप, डिस्चार्ज वाल्व के ऊपर डिस्चार्ज पाइप, बस हमने आके कसा है। और फिर इसको वैक्यूम किया जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था। तो डिस्चार्ज वाल्व से गैस निकल कर गई थी, और सक्शन वाल्व पे हमने एक पाइप कस रखा था, जब गैस निकल रही थी उसको खोल दिया, मतलब वैक्यूम हमने कर दिया है, सेल्फ वैक्यूम किए हैं। आप जानते होंगे सेल्फ वैक्यूम के बारे में, बस इसी का पूरा प्रोसेस है। और हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी हमने कूलिंग